अरे ये कॉस्ट्यूम है मैम, यहाँ का जो आपने साड़ी वगैरह पहन रखी है कंपलसरी होटल का? जी हाँ। ये ऊपर वाला हो गया। ओके अब थोड़ा सस्ता वाला ढूंढ, सुर कहाँ पे? कहाँ है? पुष्पा गेस्ट। ये किराया है पुष्पा गेस्ट का। ये आ गया। तो हमने कहा मामा वहाँ 1300 रुपये में मिल गया रूम, तो मैंने बताया कि हमें किसी के ड्राइवर ही और नौकर को ना बताया तो हम उसमें भेज देते। पुष्पा गेस्ट हाउस के नाम से है ये। हंसी वाला वो बुरा मान जाएंगे कभी रूम न दे। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम पोखरा में, और पोखरा के आपको सारे होटल दिखाएंगे, लग्जरी होटल के क्या प्राइस हैं यहाँ पे, विद ब्रेकफास्ट बफेट ब्रेकफास्ट यहाँ पे मिलता है साथ में, और नॉर्मल अगर आप बजट टाइट लेके चल रहे हो अपना, आपका बजट कम है तो आप कितने में आपको मिल सकता है। इंडियन रुपये में बताऊँगा, नेपाली रुपये में बताऊँगा। जिस होटल में अभी हमने वो लिया है यहाँ पे नेपाली रुपये के 1500 रुपये का, जो इंडिया के आई थिंक 950 या 970-980 रुपये बैठते होंगे, आप कैलकुलेट करेंगे 1.6 से रेट से, तो 950 रुपये में हमें यहाँ पे इंडिया के ये रूम मिला जिसमें हमें। तो सबसे पहले हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में लेके चलते हैं, जहाँ से हमने स्टार्टिंग से वीडियो बनाना स्टार्ट की थी, कौन कौन सा हमने होटल दिखा किस प्राइस में लग्जरी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों नाश्ता वाश्ता कर लिया है, थोड़ा सा घूमे, धूप ज़्यादा हो गई, अब हम लेक साइड जा रहे हैं। लेक साइड के अभी होटल लेंगे, ये बस है तो चलते हैं। लेक साइड जाएगी, ओके ये बस जा रही है लेक साइड। दोस्तों बस से हम लेक साइड को उतर चुके, दो चार मिनट में आ गया था, हम पास ही थे उसके लेक साइड के, 25-25 रुपये उन्होंने सवारी के लिए नेपाली रुपी। ये देखिए मार्केट है पूरी की पूरी लेक साइड में, उधर की साइड बहुत बड़ी लेक है, उधर की साइड जाएंगे हम अभी। फिलहाल रूम पे चलते हैं, होटल देखते हैं क्या प्राइस है और कौन से होटल में हम रुकने वाले हैं, तो सीधा होटल के अंदर चलते हैं। दोस्तों एक होटल मिला है, होटल सराठ, सराठी नाम है शायद इसका, होटल सराठी होटल मिला है। रूम देखते हैं, 304। ये आ गया रूम, जिसमें हमें एक डबल बेड और एक सिंगल बेड मिल जाता है देखने के लिए। बाथरूम इधर ही साइड है हमारा, इसमें गर्म पानी मिलेगा, मतलब कोई टाइम पे आता है या फिर 24/7 अवेलेबल है? 24/7 गर्म पानी है। ऑलराइट, तो क्या प्राइस है सर इसके? भाई अभी कुछ नहीं करा, पहले रूम ले लेंगे, फिर उसके बाद फ्रेश होकर फिर खाना पीना मिल जाता है इसमें, डिनर ब्रेकफास्ट लंच वो सब। तो क्या प्राइस है फिर इसके रूम का? आपको 1600 नेपाली करेंसी पड़ेगा। 1600, हमें तो सामने वाले दुकान वाले भैया ने भेजा, किरा सस्ता मिल जाएगा आपको वहाँ पर, इधर चले जाओ सामने की दुकान पर बैठे हुए हैं। वो तो सस्ता ही है ना, 1600 है ना, 1000 बता रहे थे वो ना, 1000 रुपये बता रहे थे सामने जो बैठे हुए। 360 नहीं, वो 1600 1600 रुपये कह रहे हैं वो, 1600 रुपये। तो अब बताओ थोड़ा डिस्काउंट लगा लो सर जी, हम तो सीधे पहला होटल है फर्स्ट जिसमें हम चढ़े हैं, अभी तक किसी होटल में चढ़े नहीं हम, लेकिन तो डिस्काउंट नहीं होगा थोड़ा सा? छोटा रूम नहीं है, सब फुल है। अच्छा, डबल बेड ऐसा सिंगल दो बेड होता तो थोड़ा चीप रहता, तो देख लो सिंगल हो तो, हमें तो डबल चाहिए भी नहीं है, डबल बेड हम क्या करेंगे यहाँ पे। हाँ एक डबल बेड है, इसमें एक सिंगल है, फैमिली के टाइप का हो गया ये, तो देख लो कोई हो तो दूसरा वाला देख लो, थोड़ा सस्ता पड़ जाए। भाई साहब ये यहाँ पे डबल बेड है ना यहाँ पे, और एक सिंगल बेड है, तो इसकी वजह से थोड़ा प्राइस ज़्यादा बता रहे हैं। तो अगर दो ऐसे ट्विन बेड मिल गए जो हमारे दोनों के लिए इनफ है, तो वो थोड़ा सस्ता पड़ सकता है, आई थिंक 1000 या 1200 रुपये का है ना। तो अभी शायद छत भी ऊपर खुली हुई नहीं खुली हुई देखते हैं, और यहाँ पे देखो यार काफ़ी अच्छा मॉल है, देखो बराबर वाला होटल भी देख कितना हुआ है गार्डन वाला। ये लेक की साइड में है, बस लेक इधर की साइड है, लेक से इधर आ गए तक जाती अच्छा है काफ़ी। छत बंद रहती है, छत पर जा सकते हैं? छत बंद रहती है, जा सकते हैं ऊपर रूफ जा सकते हैं? ये है ओके। ये देखो यहाँ पे एक डबल बेड है, और सेम बाथरूम वगैरह सब सेम होगा है ना, ये सब कुछ सेम है, बस इसमें क्या है आपका एक ट्विन जो सिंगल बेड था वो कम हो गया, जो इधर की साइड आपने देखा था ये डबल हो गया। तो ये कितने का पड़ेगा सर जी? आपको 1300 तक आएगा नेपाल, 1300-1300 रुपये कम हो जाएंगे इसमें। और चेकआउट चेक इन टाइम क्या, जैसा चेकआउट और चेक इन? चेक इन का तो कोई इशू नहीं है। दोस्तों अभी वहाँ से आ गए हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लोकेशन अच्छी नहीं लग रहा था, मतलब सही था, लेकिन ये देखिए उससे प्यारा है ये वाला होटल, देखो कितना प्यारा है, यहाँ पे गार्डन वार्डन वाले एरिया हैं पूरे के पूरे। और ये देखो यहाँ के रेट पता करते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा हुआ यहाँ के, लेकिन क्या पता कम में मिल जाए पोखरा लेक साइड पर। हेलो मैम, रूम अवेलेबल है जी? यस दो सेपरेट बेड चाहिए।
सिंगल भी चल जाए, डबल बेड भी चल जाएगा, और टू सिंगल बेड होंगे, ट्विन बेड वो भी चल जाएंगे। कितने रातों के लिए? अभी तो फिलहाल कोई डिसाइड नहीं है, दो दिन तीन दिन या फिर देख लेंगे। आज से आप देखिए कोई अवेलेबल हो तो ठीक है। तो आप लोग रूम देखना चाहोगे या फिर? हाँ, रूम देखना चाहेंगे। पहले प्राइस बता दो, रूम देख के तो प्राइस बताएंगे। नीचे वाले फ्लोर पे होगा? हाँ, कोई इशू नहीं है। ऊपर नीचे प्राइस डिफरेंस है? ऊपर नीचे का नहीं, एक सेम है। हाँ, एक नीचे वाले में दो अलग अलग बेड है और फिर ऊपर वाले में एक बड़ा बिग बेड है और एक छोटा। चलिए दिखा दीजिए दोनों। हाँ, दोनों एक हो जाएगा। अरे, कॉस्ट्यूम में यहाँ का जो आपने साड़ी वगैरह पहन रखी, कंपलसरी होटल का है? जी हाँ। अच्छा, हर बार ठोकर लग रही है। एक ये है 103 रूम नंबर। ओके, ये आ गया। इसकी लाइट यहाँ से चलेगी। ये होटल है भाई साहब, ट्विन बेड ही आ गए। और यहाँ पे ये बालकनी बाहर के लिए है ना, उसको वो मतलब विंडो। और राइट, इसमें गर्म पानी मिलता है मैम? हाँ, 24/7 ये वॉशरूम है यहाँ का। ओके, वेरी नाइस यार, अच्छा है काफ़ी। ये देखो, बेहतरीन वाला नहाने के लिए। इसमें बालकनी बालकनी यार, रूम तो है, काफ़ी अच्छा रूम है। है, और ये वाला ये भी सेम है? अच्छा, बालकनी है तो इसके प्राइस में डिफरेंस है थोड़ा सा। यहाँ की लाइट अच्छा यहाँ से जलेगी। ये मतलब यहाँ खुला हुआ है। हाँ, यहाँ का बाथरूम है भाई साहब, काफ़ी अच्छा है। तो मैम, इनके प्राइस क्या है? इसके प्राइस क्या है और इसके प्राइस क्या है? दोनों के सेम। ओके, ऊपर वाले एक एक की एरिया आपकी, ये ऊपर वाला हो गया। ओके, सेम बने हुए रूम है। हाँ, बस ये ऊपर का हो गया। इसमें बालकनी होगी क्या? हाँ, इसमें उधर 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 लाइट खोल के सुन, अबे उधर से चले जाओ बालकनी। यहाँ की बालकनी आ गई भाई साहब। ये आ गई यहाँ की बालकनी, अंदर की साइड है, मतलब ज़्यादा उधर की साइड नहीं, जैसे बाहर का आपको गार्डन दिखा पाऊँ। ये बैठने हो गया, ये इधर हो गया और रूम ही हुआ। लेकिन इसमें ये मैम एक डबल बेड है और एक ट्विन है, तो इनका ऐसे नहीं दो वैसे ही हूँ? तो इसके प्राइस भी ज़्यादा होंगे? हाँ, इसके थोड़े। और वैसा नहीं मिलेगा मुझे दोनों ऐसे वाले मिल जाएं? नहीं, सिंगल वाले फ्लोर में से नहीं, खाली अच्छे नीचे। तो इसके क्या प्राइस होंगे फिर? सॉरी, इसके क्या प्राइस है? 4500। और नीचे वाले क्या? 4000 सबसे नीचे है। जी। ओके, कोई डिस्काउंट इसमें? डिस्काउंट करके ले रहे हैं। डिस्काउंट करके ले रहे हैं। अच्छा, तो इसमें फूड वगैरह भी मिल जाता है? फूड मतलब इसमें खाने वाने के लिए ऑर्डर करना चाहें तो कुछ? अभी के लिए तो सिर्फ ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट सिर्फ, लंच और डिनर अवेलेबल नहीं है यहाँ पर अभी के लिए? हाँ, ये आपकी की वाली। ओके, चलिए नीचे नीचे वाला बताया 4000 और ऊपर वाला 4500 रुपीज़। क्योंकि ऊपर दो ट्विन बेड हो जाते हैं और एक सिंगल। वेल, अच्छा होटल बना रखा है काफ़ी, और बता रहे हैं डिस्काउंटेड प्राइस में है ऑलरेडी ये वाला। ये यहाँ पे 4000 हमें डिस्काउंट लगा के नीचे वाला रूम मिला है। तो हमने कहा हमें 1300 रुपये में मिल गया रूम, तो मैंने बताया कि हमें किसी के ड्राइवर ही और नौकर को ना बताया तो हम उसमें भेज देते और हम वहीं से आया हूँ। बहरहाल 4000 रुपये बता रहे हैं, चलो देखते हैं। दोस्तों, वहाँ से आ गए हैं, वहाँ पे तो 3-4 हज़ार रुपये बता रहे थे। उन्होंने बताया कि अगर आप वहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं करते ना, बफेट ब्रेकफास्ट होगा तो 3000 रुपये लगा लेंगे। लेकिन हमने फिर भी नहीं लिया, क्योंकि यार हमें सिर्फ वहाँ पे नहाना है, नहा के हमें निकलना है घूमने के लिए, रात को आगे सोना है। तो उसके लिए 3000 रुपये मतलब हम कर भी सकते हैं, लेकिन बिना वजह के मुझे लग रहा है, मैंने कहा कोई और सा ले लेते हैं सस्ता, 1000-1500 रुपये में नेपाली रूपी में, जिसमें हम आराम से नहा धो के अपनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आके सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसा काफ़ी अच्छा था वो लोकेशन के लिए। अगर हम वहाँ पे स्टे करते थोड़ा शाम वाम में मॉर्निंग टाइम गुजार सकते हैं वहाँ पे हमारा वक्त होता तो हम जरूर लेते वाला। अब थोड़ा कम बजट में देखते हैं, बाकी अगर आप आके रुकना चाहते हो तो देखो वहाँ पे 3-3.5-4 हज़ार रुपये में आपको नेपाली रुपये में, मतलब 4000 रुपये नेपाली रुपये का, आई थिंक 2500 रुपये होगा, 2000 रुपये 2500 रुपये में आपको ऐसा जैसा हमने अभी दिखाया बहुत अच्छा होटल था, वो रूम भी काफ़ी अच्छे थे वैसे मिल जाएंगे। अब थोड़ा सस्ता वाला ढूंढ सुल कहाँ पे? बोलिया कहाँ है? पुष्पा गेस्ट। ये किराए पुष्पा गेस्ट हाउस जाएगा ये बदल रहा है, बेइज्जती होगी क्या किराए।
फैल रही है भाई, बेइज्जती थी कि क्या बात है इसमें यार। ये रहा देखो पुष्पा के उधर, पुष्पा के इसका उधर हंसी मत, वो बुरा मान जाएंगे कभी घूमने दे। ये है क्या रिसेप्शन सर, रूम अवेलेबल है क्या? रूम अवेलेबल है, ये स्ट्रीट नंबर 15 लेक साइड की साइट है। देखो ये रूम आ गया, पुष्पा गेस्ट हाउस के नाम से है ये, और यहाँ गर्म पानी भी मिलता है 24/7 मिलता है। देखो बाथरूम ही है। अब भाई बजटिंग में जैसे देखना हो, जो बजट में आना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। हालांकि यहाँ पे बाकी सामान वामान रखने के लिए भी टीवी चालू भी होगा आई थिंक। और ये डबल बेड हो जाते हैं और एक बेड। सर ऐसा नहीं मिलेगा कि दोनों इस तरीके के बेड मिल जाएँ, क्योंकि शायद इसका चार्ज ज़्यादा हो, इसमें डबल है और एक सिंगल है। तो क्या रेट है ये वाले रूम का? 1200 नेपाली रुपए होंगे। और यहाँ पे एक गार्डन भी थोड़ा सा है ना, यहाँ पे इधर की साइड आप देखोगे तो गार्डन भी है। 1200 में रूम मिलता है यहाँ पे, और बाकी नीचे नेपाली 1200 में, और इधर की साइड बाहर की साइड ये भी है, बाकी सब एक से रूम में बता रहे हैं। तो सर कोई डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा? हाँ डबल बेड मिल जाए, चाहे सिंगल सिंगल टू मिल जाए, ट्विन बेड या डबल मिल जाए। सिर्फ दो आदमी है ना? जी सिर्फ ओनली टू पीपल। यहाँ एरिया का नाम क्या है इसका, यानी जगह का? ये हॉलन चौक पॉइंट बोलता है, लेक साइड सेंट्रल पॉइंट। लेक साइड सेंट्रल पॉइंट का, ओके ओके सर। दिखा दीजिए रूम, बजटिंग में रूम देख रहे हैं भाई सब। क्या ये रूम? ओके यहाँ पे गर्म पानी भी आता होगा? हाँ आता है ना। कितने कितने टाइम है? पूरे टाइम आता है? हाँ आता है, सुबह तक 24 घंटे आता है गर्म पानी? 24 घंटे तो नहीं, अच्छा कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं। आप आएगा? हाँ शाम को 4-5 बजे तक आ जाते हैं। ओके ये दो बेड हो गए और लेकिन टीवी नहीं है इसमें। है खैर टीवी तो कोई देखता भी नहीं, कोई देखने का पसंद नहीं। वाईफाई है? सही चलता है, स्पीड अच्छा चलता है? चलता है। तो क्या प्राइस है इस रूम का? अंकल जी ने नहीं बोला नीचे? नहीं अंकल जी भी बताए नहीं हमें, और सिर्फ रूम देखने के लिए बोले हैं ये, वही बताएंगे, वही बताएंगे। आप लोग बैठे नहीं इधर, चलो हम नीचे चल के पता चल कर लेते हैं ना। ये वाला रूम भी ऐसे ही है इधर वाला? देखिए नहीं ये वाला एक, ये भाई सब गर्म पानी बता रहे हैं इसमें होटल में। इसमें एलईडी भी है खैर, जो मुझे नहीं लगता काम। इसमें अच्छा डबल बेड है और एक ही सिंगल बेड है ना, इसमें एक डबल हो गया एक सिंगल हो गया, इसमें भी फैमिली वाला हो गया। ये होटल का नाम क्या है? न्यू फैमिली होटल का नाम है। हाँ चलो और रेट पता करते हैं अंकल जी से। अब भाई सुहेल इस वाले में चले क्या? चलो चलो आ जाओ लेना है नहीं, बस देखे जा रहे हैं दोस्तों। आपकी वजह से सीरियसली मैं आपकी वजह से जा रहा हूँ। अगर आप तुमसे कोई आना चाह रहा है ना तो देख ले प्राइस वगैरह क्या है। लग्जरी होटल भी है वैसे, 3-4 हज़ार रुपये ना ज़्यादा नहीं है अगर आप इंजॉयमेंट के लिए फैमिली के साथ आ रहे हो तो। और बाकी क्लब है देखो यहाँ पे, कितना प्यारा क्लब है यार। इधर की साइड पोखरा में लेक साइड पे ही सेंटर मार्केट है, बिल्कुल मेन मार्केट। यहाँ पे 1000 रुपये में भी रूम मिल रहे हैं जो दिखा आपके, थोड़े बहुत मतलब बेसिक से हैं वो। और अगर अच्छी क्वालिटी में आप जा रहे हो उसमें आपको डिनर सॉरी ब्रेकफास्ट भी मिल रहा है, तो वो 3-4 हज़ार रुपये पहुँच रहा है जो हमने आपको दिखाए थे यहाँ पे। बहरहाल हमारी हालत ऐसी हो रही है कि हम थोड़े गंदे से लग रहे हैं, लेकिन देखते हैं। होटल जैन में चले इसमें? ए जैन होटल, ए जैन है ना ये, लेक साइड पोखरा। चले चलो वहाँ की रिसेप्शन पे। सर रूम अवेलेबल है? दो लोग के लिए। पहले प्राइस दिखवा दीजिए। वाईफाई है ना इसमें? हाँ। ओके 12 बजे गए, बहुत ज़्यादा थक गए, आ जाओ दोस्तों। ये देखिए ये रूम 202 लोगों के लिए ना। हाँ। ओके तो ये देखिए एक बेड ये है सिंगल और एक ये डबल बेड है। अच्छा बालकनी में जा सकते हैं? हाँ उधर बाहर से, उधर से बाहर से देखो, बाथरूम इधर की साइड है, थोड़ा सा दूर से दिखाओ। ये रहा गर्म पानी आता है इसमें? आता है। ओके और एलईडी इधर साइड है, एसी तो चल काम करी, एसी तो गर्मी में चलता होगा है ना। हाँ आ जाओ सुहेल। ये बाकी ये वाला एरिया है जहाँ पे बैठ के लंच डिनर कर सकते हो, और ये वही बालकनी, ये देखिए इधर की साइड, इधर से बालकनी है, ये रही बालकनी और एक बालकनी एरिया। बाकी व्यू काफ़ी अच्छा है उधर, आपको पहाड़ वाड़ दिख रहे हैं सारे। तो आओ अंदर चलते हैं और अंदर चल के प्राइस पता करते हैं इस होटल के, होटल ई जैन के। आ जाओ सर, इसके प्राइस कितने होंगे? एसी का 2000, नॉन एसी का 5000। एसी का 2000, नॉन एसी का? नॉन एसी कौन सा है? नॉन एसी, नॉन एसी दोनों एक ही है, आपको यूज़ करना है या नहीं यूज़ करना। एसी चलाना है नहीं चलाना? हाँ।
एसी का चलाएंगे, एसी ठंड में तो चलाएंगे नहीं, 1500 बिना एसी का। अच्छा, और इसमें कुछ इंक्लूड नहीं है लाइक ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं? ओके, थोड़ा डिस्काउंट कर लो सर। अच्छा फिक्स ही है, कम नहीं होगा? 1500 रुपये। वाईफाई सही चल? वाईफाई अवेलेबल। 1000 में नहीं होगा? 1000 में नहीं होगा। 1200? 13? 14? फिक्स है प्राइस तो। चलो कर दो फिर, ठीक है। हाँ हाँ, मैं अभी आता हूँ नीचे ना पेमेंट के लिए। तो उस तरह थक गए थे बहुत ज़्यादा, देखो मैं ना लगड़ा के चल रहा हूँ तो इस वजह से, कोई बात नहीं। वहाँ से मैं बता रहा हूँ, देखो हम और भी ले सकते थे, मैं थोड़ा सा आपको हल्की सी शोफ नहीं करके दिखाना चाहता। देखो पैसे बहुत सारे हैं ये देखो इधर, लेकिन वही बात है कि यार हम अभी बिना फालतू में, देखो हम यहाँ से जाएंगे आपको खुद दिख जाएगा यहाँ से निकल के कि हम कितनी देर रुके हैं यहाँ पे। सिर्फ थोड़ी सी देर रुकेंगे, नहाएंगे धोएंगे फिर यहाँ से निकल जाएंगे, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बुरा है ये। 1500 में अच्छा है, वो बहुत अच्छा रूम है जहाँ हम गए थे होटल के, 3000 रुपये मेरा सच में दिला गया। सोहेल तो मैं कह रहा बार बार चल रहे हैं, लेकिन ये सोहेल ने भी कहा, मैंने भी कहा कि हाँ यार हम सिर्फ 2 घंटे रुकेंगे और 2 घंटे के लिए हम बिना वजह 3000 रुपये दें तो हम खुद अगर फैमिली के साथ हो रहे हैं, हम तभी तो लड़के हैं दोनों एडजस्ट कर लेंगे। आप अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो आप जा सकते हो, उसमें अगर बजट आप थोड़ा सा टाइट लेके चलना चाहते हो, कम खर्च करना चाहते हो, फिजूल खर्ची नहीं करना चाहते, तो आप इस तरीके से और भी होटल में आ सकते हो। ये मेन सेंटर है यहाँ का, तो अब यहाँ से जल्दी फ्रेश हो जाते हैं और आज की वीडियो करते हैं ये सब। आप मिलते हैं किसी नई वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।